कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज हमें ना राजनीति शास्त्र का सेट बी समझेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां से देखो, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई थी। इनमें से पारंपरिक सुरक्षा की नीति का तत्व है तो उपरोक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त कर दी जाए तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो कमी होगी ना ऑक्सीजन की। आज़ादी के बाद भारत में उसके सामने प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र के निर्माण की। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज लिस्का के द्वारा। ठीक है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटेन यूनियन का उदय मेस्ट्री संधि के फलस्वरूप हुआ था। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक बाजार का जन्म होता है। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को हुई थी। समग्र क्रांति प्रतिपादक जय प्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप तो 1979 एड्स का कारण विषाणु, और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, स्वर्ण मंदिर। करगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच, और दर आयोग 1948। यहां से बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, है ना। ये है अब एक वाक्य में उत्तर। यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए? चार्ल्स मितले। सार्क का पूरा नाम बताइए? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रह्मण्यम। ठीक है, 1947 में बिहार का आंदोलन किस नारा का क्या नारा था? लिख लेते थोड़े, ये देखिए यहां से देखिए मैंने भर दिया है पूरा, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हो गया। इसके बाद सत्य असत्य, तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा जो है वो असत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा जो है वो सत्य रहने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। यहाँ से ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको उसे ना। चलिए, द्विध्रुवीयता का अर्थ बताइएगा। सोवियत संघ प्रणाली, तो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही जल्दी ठीक है प्रोवाइड भी करा दूंगा। यहाँ से देखिए, संयुक्त संपदा का उदाहरण पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां, नियोजन का अर्थ उसके 2 उद्देश्य, भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत, ट्रैक टू कूटनीतिक क्या ग्रेड आयल्स क्या से है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 15 है,
ठीक है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, 20,